नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और वेलकम टू लाओस एक बार फिर से। और अभी मैं वही हूँ डोनडेट आइलैंड में, जो कि एक रिवर आइलैंड है। बहुत सारे यहाँ पर आइलैंड से अलग अलग 4000 आइलैंड बोलते हैं, सी फंडन आइलैंड भी बोलते हैं। यहाँ से अलग अलग आइलैंड्स में जाया जा सकता है और मेनलैंड में भी जा सकते हैं। और दोस्तों, अभी मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया है स्टिकी राइस, यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है लाओस में। और ये फिश सूप यहाँ का लोकल लाओ स्टाइल में बना हुआ, ये मैं खाता हूँ यार। उसके बाद बताऊंगा आप लोगों को कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कोई और आइलैंड में जाऊँ। हो गया भाई खाना पीना, 85,000 लगा। चौंकिए मत यार, 85,000 की मतलब 345 इंडियन रुपीज होगा। यहाँ का जो करेंसी है बहुत ही लो है, एक इंडियन रुपीज का यहाँ पे 245 कीप होता है। यहाँ का करेंसी को कीप बोलते हैं दोस्तों। यहाँ का करेंसी कैसा दिखता है ये आप लोग देख रहे हैं, ये 50,000 के नोट और 1,00,000 के नोट। तो दोस्तों, मैंने अभी क्या डिसाइड किया है कि मैं एक स्कूटर रेंट पे लेता हूँ फिर से, और फिर फेरी से ही, जो बोट होता है बड़ा वाला, उसमें यहाँ से डोनसोम आइलैंड में जाता हूँ गाड़ी लेके ही, और फिर वहाँ मैं एक्सप्लोर करूँगा थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते हैं, लोकल पीपल्स ज़्यादा हैं, तो अच्छा रहेगा। ये जो जगह है डोनडेट आइलैंड, यहाँ पे तो यार टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, यहीं पर ही आते हैं 4000 आइलैंड के नाम पे। ओके, थैंक यू। 1,00,000 इंडियन रुपीज का 400 के आसपास होगा। ये देखिए, दो बोट को जोड़ के ऐसा बनाया गया है, और इधर देखिए स्कूटर भी लेके जा रहा हूँ साथ में। और ये मेकोंग रिवर लाइफ लाइन है भाई यहाँ की। पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था, ये काफी लंबी चौड़ी नदी है, लगभग 4,000-5,000 किलोमीटर के आसपास लंबाई इसकी, जो कि तिब्बत चाइना से शुरू होके वियतनाम होते हुए समुद्र में जाके समाती है। वेलकम टू डोनसोम। और आते ही इस धान की खेती के साथ में हमारा स्वागत हुआ है भाई। यहाँ के गांव देखें आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा शायद। What happened, Bibu? Don't that. Yes. Thank you. Nice to meet you. Yes. Cute. इस बच्ची ने तो दिल खुश कर दिया यार, बहुत अच्छा स्वागत हुआ है इस जगह पे। हेलो, कम 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 कम। ओके बाय। ये तो मोटो ब्लॉगिंग जैसा हो जा रहा है यार। ये मेन रास्ता है यार इस आइलैंड में, यहाँ पे रोड वगैरह बने हुए नहीं है दोस्तों। वो जो डोनडेट आइलैंड है उसको टूरिस्ट के हिसाब से अच्छे से डेवलप किया गया है, लेकिन यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहने दिया गया है। बस लोकल लोग जो मरम्मत का काम है थोड़ा बहुत वो किए हैं, बाकी आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी खूबसूरत बहुत है दोस्तों, ये हरे भरे खेत चारों तरफ यार, देख के दिल खुश हो जाता है। ये धान की खेती है ज्यादातर यहाँ पे। अब यहाँ से कहाँ जाना है भाई, सीधा ही चलता हूँ। ओ भाई, ओए ये मुर्गों की लड़ाई देखी यार आप लोग। चल का बेटा, चल वही बेटे जात हूँ मैं। ओके बाय। हाँ, एक दादा के साथ में अभी मैं जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। कहाँ पर है आपका घर? ओपन ओपन। हाँ, ये जगह लमाना पड़ी कहाँ का, सुंदर जगह। ओके ओके ओके, ऐसे कैसे जाओगे? अच्छा यार, ये तो फीमेल है, ऐसे कैसे जाओगे? हम तो जाएंगे। वेलकम टू लाओस। अंदर से खुशी आया तो चिल्लाया। नमस्कार बड़ा, सपादी, मुझे इधर जाना है। इधर क्या देखने के लिए है? खेत खलियान है। सही बात है। यार मुझे उम्मीद तो था यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग अच्छे नहीं भी होते हैं, ये तो हर देश की बात होती है, अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अगर अच्छे हो तो उसे अच्छा माना जाता है। इधर किधर जा रहा हूँ मैं भाई, मुझे खुद नहीं पता, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। पैसा भरवाएंगे यार मेरे को। यहाँ पे जाके देखता हूँ, एक लोकल घर है। ऐसे जाना अचानक से सही तो नहीं है, लेकिन आप लोग देखें यहाँ पे लोग कैसे हैं, कैसे मिलते हैं, ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा। हेलो सबादी, लोगों के थैंक यू।
कम विद मी कम। तो चॉकलेट वहां से एक्स्ट्रा लेके आया था यार मैं। बच्चे लोग हैं यहाँ पे, बच्चे लोग के लिए ठगने के लिए ठीक है। ठगना क्या मतलब, आप खुश होते हैं बच्चे ना इससे। ओके थैंक यू। चलो भाई चलो, अब्बड़ मजा यार, अब्बड़ मजा। लेकिन गर्मी जान लेवा है भाई यहाँ पे। इतना सुंदर जगह है यार, पता नहीं क्यों यहाँ पे लोग नहीं आते, लेकिन अच्छा ही है ना। वरना फिर मुझे दूसरा जगह देखना पड़ता घूमने के लिए। वैसे टूरिस्टी प्लेस भी अच्छा ही होता है, मुझे पसंद है, लेकिन ज़्यादातर नॉन टूरिस्टी प्लेसेस। यहाँ पे मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है यार, ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। हेलो सबादी, डोंट डेट। क्या कर रहे हैं? घूम रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश नहीं समझते हैं जैसे मैंने बताया, और इंग्लिश नहीं समझते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलूँ, हिंदी में ही बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत, वैसे भी तो नहीं समझते हैं, है ना। वैसे मैं बार बार बोलता हूँ यार, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, दिल जुड़ जाया करते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है। और भाषा नहीं आती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बैरियर सच में नहीं बनता। बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम कैसे विदेश घूमेंगे। यार बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर उनको भी इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश सीख भी लेंगे तो वहां पर काम नहीं आएगा। वैसे इंग्लिश जानना जरूरी तो है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, काम चला लेता हूँ। चाय पी रहे हो? खाना ये अंकल देखिए यार, मुझे पानी दे रहे हैं पीने के लिए, गर्म पानी, कप चाय। हॉट, थैंक यू। देखो मैं बोलता हूँ ना, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, बिना भाषा जाने देखो पानी पीने के लिए दिए, ये होता है हॉस्पिटैलिटी। ये दादा यहाँ पे रहते हैं यार, इनका खेती बाड़ी देखिए आप लोग, धान तो हर तरफ देख ही रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे कुछ कुछ सब्जियाँ लगाई गई हैं। अभी तो बारिश थमी हुई है दो तीन दिनों से, उतना भी ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये हाल है, बहुत ज़्यादा बारिश होने से कैसा होता होगा। फाइनली पानी प्यास लग गई है यार। वाटर वाटर, सही जगह में प्यास लगी है यार, पानी पिला दे इन लोग तो सही होगा। ओके बुला रहे हैं पानी पीने के लिए यार। वो दादा गर्म पानी दिए थे, लेकिन पीने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता। हेलो, ये इनका घर देखिए यार यहाँ पे। थैंक यू, बाय। यहाँ के जो गांव हैं, बीच बीच में घर हैं, यहाँ पे एक साथ बहुत सारे घर हैं, ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर एक घर है, दूर में दो तीन घर होगा, फिर कोई एक घर होगा, ऐसा ही देख रहा हूँ मैं तो। अरे अब किधर जाना है भाई, यही तो है एडवेंचर यार, एडवेंचर एडवेंचर बोलते हैं। मोबाइल से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, GoPro नहीं है, स्टैंड ट्राइपॉड नहीं पकड़ा हुआ हूँ मैं, फोन ही पकड़ा हुआ, थोड़ा ब्लॉगिंग करने में इजी नहीं हो रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा खतरा लगेगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोग चिंता मत करिए, सेफ हूँ। इधर से ही कोई किनारा पकड़ लेता हूँ मैं, और इस आइलैंड के बीच से मतलब दूरी के हिसाब से बीच में से किनारे, वहाँ पे मैं कोई अगर मुझे फेरी मिल जाता है तो वो ले लूँगा नाका सॉन्ग के लिए। हेलो, आई कैन टेक फेरी फ्रॉम देयर, फेरी द नाका सॉन्ग फ्रॉम देयर। ओके ओके थैंक यू। दोस्तों इस आइलैंड के लगभग बीचों बीच में आ चुका हूँ। अगर मैं दिशा की बात करूँ तो मैं इस आइलैंड की बात कर रहा हूँ, मैं साउथ से एंटर किया और अभी फिलहाल मिडिल में हूँ, लेकिन मैं अभी ईस्ट में जाने की कोशिश करूँगा किनारे तरफ में, ताकि मुझे वहाँ से कोई फेरी मिल जाए, बोट मिल जाए, और वहाँ से मैं नाका सॉन्ग विलेज तक पहुँच जाऊँ जो कि मेनलैंड में है, वापस जाना नहीं पड़ेगा इस रास्ते से। तो ये मैं दिमाग लगा रहा हूँ यार, और फिर नाका सॉन्ग से फिर मैं चला जाऊँगा डॉन डेट वहाँ से, तो कनेक्टिविटी अच्छी है, बहुत सारे बोट होते हैं जो जाते रहते हैं। हेलो बच्चे, ओ भाई। लेकिन पुलिस वाला तो ओरिजिनल इधर में है, देखो इसका ड्रेस। इधर में कुछ बोट से मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं भाई, इतना गंदा पानी है इधर।
और नहा रहे हैं भैया जी। हेलो सबादी। जैसे इंटर होती है इस कंट्री में, ये नदी बहुत चौड़ी हो जाती है, अलग 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 छोटा मोटा नाला जैसा, कोई कहीं का बहुत बड़ा, उसमें से एक छोटी शाखा है। इसके बाद फिर आइलैंड होगा, फिर रिवर होगा, फिर आइलैंड, फिर रिवर, ऐसा करके। ये बच्चे लोग हाथ मिलाने आ रहे हैं, बचपन से ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी सीख जाते हैं यहाँ पे। देखो बाय बाय बाय, ओके बाय, थैंक यू। तो यार इस गांव में एक दुकान है, यहाँ पे मैं कुछ पीने के लिए ली सोया मिल्क और ये नमकीन सा चॉकलेट। ओके ये क्या पका रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं। पता नहीं क्या है, पका के खाने वाला है बोल रहे हैं क्या। बोट दे बोट नाकसंग डन डेट। ओके ओके मतो हाँ हो ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बच्चे। ओ भाई रे कौन टकर का हुई रे भाई रे, ये बच्चे लोग का मुझसे पहले कैसे पहुंच गए। बाय 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 प्यारे बच्चे, बाय। ओके ओके थैंक यू गूगल ने रास्ता ये मुझे बताया है, देखो किसी के पर्सनल घर से होके गुजरना पड़ रहा है। ओ यार ये बच्चे लोग ना, इन लोगों को चॉकलेट तो मैं दिलाया वैसे, लेकिन शायद और इनको खाना है। You want more chocolate? More chocolate? ओके पता नहीं यार किधर आ गए, इधर आसपास का दुकान भी नहीं दिख रहे हैं। शॉप 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 डेली नीड दुकान। ओके गो बाय चॉकलेट, ओके गो बाय चॉकलेट, ओके बाय 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 बाय। पैसे देने का मन तो नहीं था उनको बच्चों को, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना, बहुत बार बच्चों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर मुझे दुकान नहीं दिखा, एक बच्चे को दे दिया और साथ में जाओ 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 मैं बोला, सब लोग दौड़ के चले गए। दोस्तों अब मैं वापस जाने के लिए निकल रहा हूँ यार, नया नया एक्सपेरिमेंट क्या करूँ, मैं तो सोच रहा था उधर से जाने बनेगा, लेकिन नहीं मुझे वापस से जाना पड़ेगा इस आइलैंड का साउथ पार्ट में, और वहां से फिर मैं वापस से अपना जहां रुका हुआ हूं उस आइलैंड में जाऊंगा डॉन डेट में। ये भाई पहुंच गया किनारे पे, थैंक यू थैंक यू। बस भाई डन सम आइलैंड, काफी बड़ा आइलैंड है यार ये, जहां पे मैं गया हुआ था। हाँ गर्मी भाई अभी अच्छा लगेगा थोड़ा, मैं चला रहा हूँ भाई। आ गया यार, थोड़ा सा हार्ड स्टीयरिंग है लेकिन कार जैसा ही है, थोड़ा सा बैलेंस बना के चला। बस दोस्तों पहुंच गया मैं, तो यार आज का वीडियो को यहां तक ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है आज का जो व्लॉग है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, फिर भी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। ठीक है, नमस्कार।